जय माता दी दोस्तों, व्रत में बनाए बहुत ही टेस्टी आलू, आलू से ही बनाए। ये देखिए मैंने खड़े आलू को किस तरह से बनाया है। इस तरीके से आप लोग व्रत में बनाइए, इतना टेस्टी ये आलू की सब्जी लगती है कि मिनटों में बन भी जाता है। मैंने इसमें 4-5 खड़े मिर्चे यूज किए हैं, सेंधा नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, इसको थोड़े देर चलाएंगे। हरी धनिया मैंने इसमें बहुत अच्छे से पीस करके यूज किया है। एक टमाटर ऐड किया है और एक कटोरी मूंगफली का दाना, मैंने कच्ची मूंगफली के दाने को ऐड किया है। इससे इस सब्जी में बहुत ही जाना जाती है, व्रत वाली सब्जी है। और ये देखिए मैंने कुट्टू के पराठे और पूड़ी के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। पूड़ी है, मैंने पूड़ी बनाया है और इसके साथ आप बना के देखो, आलू मूंगफली की सब्जी इतनी टेस्टी बनती है। और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है इसमें, मिर्चा यूज करिए, मिर्चा, जीरा, हरी धनिया, टमाटर, सेंधा नमक, और बहुत टेस्टी सब्जी बन करके रेडी होती है मूंगफली की और आलू की। इस तरह से आप बनाइए। और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सबको दिल से जय माता दी।